तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है ये माना कि मैं है फिलजबा है हसी है तू जो नहीं तो कुछ भी नहीं है ये माना कि मैं है फिलजबा है हसी है हेलो फ्रेंड्स दिस इज पुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आईज वाई आइए एक बार फिर से आपका स्वागत है भारत इज माय होम डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया क्वेश्चन आंसर पिछला पार्ट में आपने देखा से लेकर ऑब्जेक्टिव और आज हम लोग फोर्टीन से शुरुआत करते हैं तो देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन फोर्टीन है इंडिया बिकम रिपब्लिक रिपब्लिक का मतलब होता है गणराज इंडिया बिकम ए रिपब्लिक ऑन यानी भारत जो था एक गणराज्य बना गणराज का मतलब क्या होता है संविधान लागू होने के बाद लोगों को गणराज कहा जाता है तो इंडिया बिकम ए रिपब्लिक हमारा देश कब गणराज बना छब्बीस जनवरी 1950 1950 को 26 जनवरी 1950 26 छब्बीस जनवरी 1950 को हमारा देश क्या बन गया था ए रिपब्लिक यानी गणराज बन गया था यानी हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया आपको पता होगा कि हमारे संविधान को बनने में लगे थे दो वर्ष ग्यारह महीना अठारह दिन और हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था छब्बीस नवंबर उन्नीस को और छब्बीस जनवरी उन्नीस को यह लागू कर दिया गया रिपब्लिक डे भी हम लोग मनाते हैं गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को इंडियन कल्चर इज एन एग्जाम्पल ऑफ भारतीय कल्चर यानी संस्कृति भारतीय संस्कृति इज एन एग्जाम्पल ऑफ उदाहरण है किसका यूनिटी इन डाइवर्सिटी अनेकता में एकता क्योंकि हमारे देश में जानते हो कि अनेक प्रकार के जाति धर्म समुदाय के लोग रहते हैं विभिन्न भाषा बोलने वाले रहते हैं लेकिन हम सभी क्या है मिलकर एक है डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज वॉज इन डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म हुआ था कहां पे हैदराबाद एक बात बता दूं डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म हुआ था कब हुआ था अठारह सौ संतानवे में इनका जन्म हुआ था अठारह सो सन्तानवे में और मैंने क्वेश्चन आपको कहा पूछा था पहले इससे पहले वाले वीडियो में और कहा था कमेंट कीजिएगा तो उनका मृत्यु जो हुआ था उन्नीस सौ कब सड़सठ में उनका मृत्यु हुआ था उन्नीस सौ सड़सठ ईस्वी में अठारह सो सन्तानवे ईस्वी में डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म हुआ और उन्नीस सौ सड़सठ ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई और राष्ट्रपति कब बने थे उन्नीस सौ सड़सठ ईस्वी में वोई 1967 में बने थे तो मर कैसे गए 1967 में हां तो डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु जो हुई थी उड़ीसा 1969 में हुई थी क्योंकि 1967 में वह प्रेसिडेंट के पद को ग्रहण किए थे तो फिर से याद कर ले डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म 1897 और मृत्यु 1969 और शपथ लिए थे राष्ट्रपति के रूप में 1967 में डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म हैदराबाद में हुआ था डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर इंटर माने प्रवेश ऑफिस इन ए किस भावना से ऑफिस में कार्यालय में प्रवेश किए थे ह्यूमिलिटी ऑफ ह्यूमिलिटी नहीं तो प्रेफुल प्रार्थनापूर्वक विनम्रता के भाव से वो प्रवेश किए थे कहां पे राष्ट्रपति भवन में पावर शुड बी पावर माने होता है शक्ति पावर शुड बी यूज ओनली फॉर डैश मोरल पर्पस पावर शुड बी यूज ओनली फॉर शक्ति का प्रयोग हमें केवल करना चाहिए किस रूप में मोरल पर्पस के रूप में नैतिक उद्देश्य के रूप में डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज लॉन्ग एसोसिएटेड विद डॉक्टर जाकिर हुसैन लम लं, लॉन्ग मानता लंबा एसोसिएटेड माने जुड़ा रहना लंबे समय तक संपर्क में रहे या जुड़े रहे किसके साथ एजुकेशन शिक्षा के साथ डॉक्टर राधा कृष्णन नेवर लॉस्ट हिज़ फेथ इन डॉक्टर राधा कृष्णन नेवर माने कभी नहीं लॉस्ट माने खोए अपना विश्वास किसमें द इसेंशियल ह्यूमिनिटी आवश्यक या जरूरी मानवता में मतलब मानव के जरूरत के अनुसार वो उपलब्ध रहते थे और उनको सेवा करते थे अर्लियर टू बिकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर जाकिर हुईन सर्व एज द गवर्नर ऑफ अर्लियर द बिकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भारत के राष्ट्रपति बिकमिंग बनने से पहले अर्लियर माने पहले डॉक्टर जाकिर हुआ सर्व एज द गवर्नर ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन गवर्नर के रूप में सेवा दिए थे कहा के गवर्नर बिहार के गवर्नर बिहार के राज्यपाल अकॉर्डिंग टू डॉ जाकिर हुसैन वैल्यू रिमेन्स डॉक्टर जाकिर के हुसैन के अनुसार वैल्यू जो होता है जो मूल्य होता है वह बना रहता है कैसा इंटरनली वैल्यू इंटरनली माने दिल से एकदम अंदर से वर्क ऑन वन सेल्फ वर्क ऑन वन सेल्फ खुद के लिए काम करना वर्क ऑन वन सेल्फ खुद के लिए काम करना मीन्स वर्क फॉर का मतलब क्या होता है किसके लिए काम करना इंडिविजुअल व्यक्तिगत तौर पे काम करना डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर डॉक्टर जाकिर हुसैन महान स्वतंत्रता सेनानी में से वन ऑफ माने एक थे महान स्वतंत्रता सेनानी स्वतंत्रता सेनानी होते जो अपने देश के लड़ते उनमें से एक थे एज वेल एज के साथ साथ एन इमिनेंट एक महान क्या थे एजुकेशनिस्ट भी थे शिक्षाविद भी थे डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज लॉन्ग एसोसिएटेड विद डॉक्टर जाकिर हुसैन लंबे समय तक जुड़े हुए थे किसे एजुकेशन से शिक्षा से दास्ट इज बीता हुआ समय अलाइव एंड डायनेमिक बीता हुआ समय जीवित और गतिशील रहता है जीवित और है, मरता नहीं है उसी के आधार पर हम आने वाली घटनाओं के बारे में पता लगाते हैं या आगे का जीवन तय करते हैं द वर्ड एजुडेशनुडेशन इरुडेशन का मतलब स्टैंड पर क्या होता है तो इशन का मतलब होता है ग्रेट नॉलेज महान ज्ञान तो आज बस इतना ही फिर मिलते हैं अगले क्लास में लेकर आगे ट्वेंटी सेवन के बाद ट्वेंटी एट क्वेश्चन बने रहिए स्टे होम स्टे सेफ जहाँ भी रहिए सुरक्षित रहिए और अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए थैंक्स फॉर वॉचिंग कीप वॉचिंग जय हिंद जय भारत